पन्ना के गनौर में कई दुकानें अवैध रूप से कृषि संबंधी कीटनाशक दवाइयों का विक्रय व भंडारण कर रही थीं, जिन पर कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिस पर कई दुकानों में नकली दवाई मिली जिन्हें पंचनामा बनाकर जब्त किया गया। इतना ही नहीं, कई दुकानें तो बिना लाइसेंस रिन्यू कराए 9 माह से संचालित की जा रही थी, जिसमें सचिन बीज भंडार की दुकान को सील कर दिया गया। आखिर 9 माह से अवैध रूप से संचालित दुकान पर कृषि विभाग किस कारण मेहरबान रहा, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सोचने वाली बात यह है कि 9 माह से बिना लाइसेंस के दुकान संचालित हो रही थी तो कृषि विभाग अब तक क्या कर रहा था। जब इस विषय में जिम्मेदारों से बात की गई तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। इसे क्या समझा जाए? क्या कृषि विभाग की मिलीभगत से काम किया जा रहा था, या फिर नकली दवाइयों के एवज में मोटी रकम कृषि विभाग तक तो नहीं पहुंचाई जा रही थी? मतलब कीटनाशक दुकानों को चेक किया गया, जिसमें बीज भंडार, सचिन बीज भंडार और शिवम कीटनाशक बीज भंडार में बाकी दुकान बंद पाई गई। कितने प्रकरण बनाए गए हैं सर? 3 प्रकरण बनाए। जब्ती कर क्या क्या पकड़ा गया जब्ती में? जो उनकी डीसी से अधिक दवाइयाँ थी उनको जब्त किया गया है, और एक दुकान की अवैध लाइसेंस पर्ची तैयार नहीं हुई इसलिए उसको सील कर। एक दुकान में सर 9 माह से दुकान अवैध रूप से संचालित कर रहा था, जबकि उसका लाइसेंस 9 महीने पहले समाप्त हो गया, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? अब वो संबंधित ने जब अपन को आवेदन दिया उसी के बाद में कार्यालय के लिए 9 महीने सर बड़ा टाइम हो जाता है, क्या इस संबंध में आपने बीच में कार्रवाई करना उचित नहीं समझा? वो सब अपन ने उसको जानकारी दे दिया, संबंधित व्यक्ति ने जमा किया डॉक्यूमेंट। पन्ना गनौर से यूडी न्यूज के लिए विनय पांडे की रिपोर्ट।